देखिए एक बार। अब आपके प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने मैग्नेटिक फील्ड एकदम से ऑन कर दिया था बेटा, तो इंपल्स लग गया था, ठीक है। बट वो ये भी कर सकता है कि यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है, जीरो से शुरू होके बढ़ना शुरू हुआ और एक यूनिफॉर्म रेट से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो सेम प्रॉब्लम इस तरह का भी आता है कि इस रिंग में ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, ठीक है। तो अब हम इंटीग्रेशन एफडीटी नहीं लगाएंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सब आता है। हम एफ इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे, उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे और फिर उससे अल्फा निकालेंगे, अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, हम ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब क्या है, वेरिएशन क्लियर है ना, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन क्लियर है, किस रेट से बढ़ रहा है, तो आपके पास भी फोर्स का वेरिएशन क्लियर होगा। तो इम्पल्स क्यों लगाओगे, इम्पल्स कब लगाते हैं, जब इतना छोटा टाइम इंटरवल है कि वो वेरिएशन ही नहीं पता कैसे हो, ठीक है, तब इम्पल्स की जरूरत पड़ती है कि हम सीधे चेंज इन मोमेंटम से लिखते, ठीक है। तो इसलिए इसने पूछा भी आपसे ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। तो पहले वही कहानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो ये आ गया आर बाई टू डी बी बाई डी टी, आर आपको बाय टू कॉन्स्टेंट क्या है। मिलेगा के नॉट आ गया, तो यूनिफॉर्म फील्ड है हर जगह, तो टाउ इक्वल टू आई एल्फा से एल्फा है, सिंपल डी टी वी टी कुछ नहीं लगाया मैंने, टाउ इक्वल टू आई एल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, अब अल्फा क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है तो आपको डी ओमेगा बाई डी टी इंटीग्रेट करके कर लो, या फिर डायरेक्ट लगा दो ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट आ गया ना, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की रेट कांस्टेंट थी, तो आपका कैपिटल ही टाइम के साथ नहीं बदल रहा है, कैपिटल ही नहीं बदल रहा है तो फोर्स भी नहीं बदल रहा है, फोर्स नहीं बदल रहा है तो टॉर्क नहीं बदल, टॉर्क नहीं बदल रहा है तो अल्फा नहीं बदल, ठीक है, क्लियर है। तो इसलिए अल्फा कांस्टेंट आ गया, फिर तो आप ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी लगा दो, अपने आप ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसने ऑन किया है या फिर इस तरह से कांस्टेंट रेट दे, उसके अकॉर्डिंग ओमेगा निकाल, ठीक है। जस्ट ऑन कर दिया, पूछा बताओ ओमेगा, वो तो इम्पल्स है पूरा, आपने बी ऑन कर दिया, बट बी एकदम से ऑन नहीं हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। तो फिर आप इसकी वेरिएशन भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं। दोनों प्रॉब्लम क्लियर है सब बच्चों, देख लो किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये आ जाएगा के क्यू, हाँ सही कह रहे हैं कि 8-9 का भी ठीक था, उस सब का भी ठीक है, 2 आ जाएगा, उस सब का 2 फैक्टर मिसिंग था। यस सर, ये 2 और आ जाएगा, कहाँ से आया 2, वैसे अल्फा तो इससे आया, वो इस वाले, हाँ अल्फा निकाला था ना। यस इससे, सर, इस वाले से 2 और, ठीक है। जो अल्फा रेट तो सही निकाल रहा था पर वो टाइम में मल्टीप्लाई करते हुए पता नहीं एक ही गलत लिख फार्मूला, दिया। एक ही फार्मूले से निकाल रहा हूँ बेटा, देखो मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को, दूसरा ही ठीक है ना, लूप पर लाइन इंटीग्रल करके उसे फैराडेज लॉ से लिंक कर दे रहा हूँ कि वो लूप जिस सरफेस को एनक्लोज कर रहा है उससे कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम और आगे एक दो प्रॉब्लम और देखेंगे इस तरह की।